डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत अच्छे हैं। मेरा सभी हिमाचल वासियों को, भाई बहनों को, छोटे युवाओं को और सभी मित्रों को दिल से नमन नमस्कार। आज मैं टेकचंद जी विशेषतः प्रदेश में व्यावसायिक खेती के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। हमारा पिछले जी 15-16 वर्षों में इस क्षेत्र में प्रयास रहा और इसी के साथ आजकल का जो गलत मुद्दा है वो है नशे में जो हमारे युवा जो हैं जो ग्रिफ्त में फंसते जा रहे हैं और उसका कोई निराकरण अभी तक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप जिस तरीके से प्रदेश की, मतलब जिस तरीके से आप कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से चीजें अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। जिस तरीके से आप अपने, मतलब अपने संसाधनों से बिना किसी सरकार की मदद से ये चीजें कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा, मतलब प्रयास है, जो कि बहुत बिरले लोग इस चीज को कर पाते हैं। लोग हमें देखेंगे इसमें कि हम किस तरीके के उस मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और एक, मतलब जिस तरीके से हिमाचल के परिदृश्य से इस चीज को देखा जाए कि जो आपने नशे की बात करी वो बहुत बुरी हालत है, ठीक है। इसके लिए आप जैसी शख्सियत जब इस जी प्लेटफॉर्म पे आते हैं और लोगों को, मतलब एक जन जागरण का इस तरीके से अभियान चला रहे हैं, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो डॉक्टर साहब, आप अपने कुछ विचार रखिए कि किस तरीके से आप इस मुहिम को या सरकारी अमला किस तरीके से प्रभावशाली बन सके, इसके लिए लोगों के सुझाव या इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा सा बताएं लोगों के कि क्या इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे या किस तरीके से हम ये चीज आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सामाजिक परिवेश में। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम नशे को ही लेते हैं और इसका जो मूल कारण है नशे का, उस चीज को हम देखेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। जी दो प्रकार के नशे इस वक्त जो है प्रदेश में, हमारे में और प्रदेश के साथ जो है लगती हुई सीमाओं में, और जो अन्य प्रदेश है जिसे उत्तरी भारत पूरा ही कहा जा सकता है, उसमें जो है वो पूरी तरह से लोगों को गिरफ्त में ले जी रहे हैं। उनमें सबसे बड़े जो है वो जो सिंथेटिक नशा इस वक्त जो है हमारी युवाओं को जो बर्बाद कर रहा है, वो सबसे मेजर इस वक्त हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। इससे पहले होता क्या था जी कि ओपियम या अफीम के, या जिसको भुक्की वगैरह कहते हैं, या अफीम या भांग से कुछ एक जो नेचुरल प्रोडक्ट से, उसके ऊपर जो था वो नशे का कारोबार चलता था। आज जैसे जैसे हमारे संसाधन बढ़ते गए, रिसर्चेस होती गई और कुछ एक मॉलिक्यूल डेवलप हुए जिन मॉलिक्यूल्स को हम एज ए पेन किलर यूज करते हैं और भी कई चीजों में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं जो अफीम से, भांग से, और कई ऐसी जो नेचुरल जो पदार्थ हैं, जैसे आपके हमारे इस क्षेत्र में वो अपना धतूरा भी होता है, उससे भी जिसको जो कई ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो नशे के तौर पे यूज किए जा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो उन पे हम चर्चा जी करेंगे। सिंथेटिक नशा जो है इस वक्त पूरी तरह से हमारे बच्चों को जो है गिरफ्त में ले रहा है, और उसको लेना भी इजी है और उसको ढूंढना भी इजी है, और आजकल जो है वो लोगों के पास संसाधन इतने हो गए कि पैसा लेना भी घर वालों से इजी हो चुका है इन बच्चों के लिए। तो वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए एक इस वक्त समस्या बन गई है, वो सरकार के लिए भी समस्या है, हम लोगों के लिए भी समस्या है। उसी के ऊपर हम आज चर्चा चीजें करेंगे और उसके रूप। जी पिछले काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये चीजें, मतलब ऑर्डर में नहीं होती थी, लेकिन किसी आदमी की जब मौत हो जाती है तब मुझे लगता है सरकार को भी जागना चाहिए, प्रशासन को भी जागना चाहिए और खासकर जो हमारी जो प्रदेश की जनता है, जनमानस है, उनको तो जागना ही चाहिए क्योंकि बिना के ये संभव नहीं है हम इस चीज से लड़ाई कर पाए। हिमाचल प्रदेश में जितने भी युवा मंडल है, महिला मंडल है, जितने लोग हैं, अपने
अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई गतिविधि उनको दिखती है, तुरंत प्रशासन को, पुलिस को अवगत कराए, और बिना डरे हमें आगे आना पड़ेगा, बिना डरे हमें आगे आना पड़ेगा, तभी ये चीज हो पाएगी। मेरे बहुत दोस्त बहुत सारी टीमें बना के इस चीज में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को क्रैक कर सके। और सबसे बड़ी जो बात होती है, ये पेडलर्स होते हैं, ड्रग्स पेडलर्स, इनके जो लिंक्स हैं, मैं सच कहूं आप भी सीधे तौर पे तो राजनीति से जुड़े हैं, तो सबसे नेताओं के साथ कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात टेकचंद जी इस वक्त जो हो रही है वो है कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं या सिंथेटिक नशा जिसको कहा जाता है, जिसमें कोई नया नाम दिया गया है चिट्टा, जो मॉर्फिन डेरिवेटिव है, ओपियम डेरिवेटिव है जिसका, और उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से हो रही है, इस चीज का ना तो सरकार पता लगा पा रही है, ना ही हमारे प्रशासन के लोग पता लगा पा रहे हैं, ना ही जो पेरेंट्स हैं उनको पता लग रहा है कि आ कहाँ से रहा है। मैं आपको मुख्य कारण इसका बताता हूँ। जितने भी सिंथेटिक नशे हैं, ये हमारी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो बल्क ड्रग्स बनाती हैं, जिसको क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, जो दवाइयों को बनाने के लिए प्रयोग होती हैं, उसमें बनते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य जो रूट्स हैं, उन रूट्स को कोई पकड़ के अभी तक पकड़ नहीं पाया है, और इसको पकड़ना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ही करीब करीब मेरे ख्याल में 100 से 150-200 के करीब जो है वो छोटे और बड़े उद्योग हैं इसके दवाइयों के, और उन सभी उद्योगों में जिनमें पेंटाजोसिन लैक्टेट हो गया, हाइकोसिन ब्रोमाइड हो गया, ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पे आती हैं, और जो इनसे जो है वो दवाइयां तैयार होती हैं, पेन किलर्स तैयार होती हैं, कोई पेट की दर्द की मेडिसिन तैयार होती हैं, कोई कई मेडिसिन ऐसी, ऑक्सीटोसिन से आपको पता है, ऑक्सीटोसिन तक नहीं अभी तक रोक पाया, जो 20 साल पहले WHO ने बैन कर रखी है, उसको हमारी सरकारें नहीं रोक पाई अभी तक, अभी तक फिर आ रही है वो। और कंपनीज के पास अगर 1 किलो का लाइसेंस है तो वो 20 किलो लेके आ रहे हैं, और 20 किलो में से 5 किलो तो मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, और उसके बाद 15 किलो जो है मार्केट में बेच रहे हैं वो लोग, और दबा के पैसा कमा रहे हैं। तो इस चीज को कौन पकड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा हमारे हिमाचल प्रदेश को गिरफ्त में ले चुका है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान से नशा आ रहा है, अफगानिस्तान से नशा आ रहा है, अरे भाई बॉर्डर से तो नशा आया है, जो अंदर का नशा है उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और हमारे पास बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, जिसमें हम ओपियम जी देख चंद जी आपकी आवाज बीच में कट रही है मुझे लग रहा है, हो सकता है कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आपको मेरी आवाज आ रही है। सभी मित्र जी हाँ आ रही है, अभी आ रही है। डॉक्टर साहब हिमाचल प्रदेश के हमारे जितनी भी हमारी जनता है, मैं इतना चाहता हूँ कि ना सरकार को छोड़ेगी ना पुलिस करेगी, करना इनको ये अपने प्रोसेस चलते हैं, अगर जनता एक का एक इशू को इस तरीके से उठाती है कि एक मतलब ये सोच के कि आने वाले टाइम में उनके बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। उन्ना में अभी एक नाबालिग बच्चे की कुछ ही हफ्ते पहले मौत हो चुकी है ओवरडोज की वजह से, अगर अब इस चीज के लिए जागृत नहीं हुए तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा समय आ जाएगा हर गांव में इस तरीके के मतलब मुक्ति केंद्र खोलने पड़ेंगे। एक ऐसी बीमारी है जो एक या दो या तीसरी डोज पे इसका एडिक्टेड बंदा हो जाता है, तो ये चीज समझने लायक है कि इसकी जो इंटेंसिटी है, तीसरी डोज पे बंदा इसका हैक्टिक हो जाता है और नशा के आदि हो जाता है। इस चक्कर में जो ये सिंथेटिक नशा अवेलेबिलिटी है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन सबसे बड़ी जो जो एक चीज सामने आती है कि प्रशासन और पुलिस देखिए टेकचंद जी सबसे बड़ी बात है, ये मैं सभी हिमाचल प्रदेश के जो भी मित्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है इस वक्त प्रदेश सरकार, हमारे पंचायती राज संस्थान और हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी सोसाइटी को एजुकेट नहीं करेंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस नशे के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसमें मीडिया का भी रोल जो है वो बहुत बड़ा रहेगा,
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें इन चीजों के ऊपर एक मुहिम चलाई जाना बहुत जरूरी है। ये मात्र बैठ के करके और पेपर में छाप के या कुछ करके, ये ऐसे या हमारे जैसे लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसे इसमें संभव नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले तो हमारी जितनी भी ड्रग इंडस्ट्री है, इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर ढंग से जो है वो एक कोऑर्डिनेशन टीम्स बना के, इनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें जो भी अब हमारे नारकोटिक्स इसमें आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको चेक करना पड़ेगा कि कितने उनके पास आ रहे हैं और कितने नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स वो बना के बाहर जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो उन चीजों को पता करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जी बहुत बड़ा मुद्दा जो है, जो हमारे जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, मैंने आज तक मैक्सिमम यही सुना, हालांकि मेरे इलाके में भी ये चीज कल परसों भी घटना हुई है। मेरे घर के पास कोई लड़की अमीरपुर में पकड़ी गई और उसने वो डाइथाइल मॉर्फिन, वो जिसको चिट्टा बोलते हैं, उसके डोज ली हुई थी और वो किसी टॉयलेट में अंदर बेहोश पाई गई। और वो बहुत नजदीक है मेरे घर से, कुछ एक ही दूरी पे है, तो 10-12-15 किलोमीटर होगा ज्यादा ज्यादा। तो ऐसा जैसा अगर बच्चियां भी इस क्षेत्र में चले जाएं, बच्चे तो पहले लड़कों का तो सुनते ही थे, परंतु आज बच्चियां भी इस क्षेत्र में जब जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है, जिसे हमें बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हाँ, कुछ एक दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री भाई जयराम जी को भी इस चीज के लिए मैसेज किया था कि भाई इसमें जो है सबसे बड़ा जो है वो जरूरी है, जो हमारी ड्रग इंडस्ट्री है, इसको वॉच आउट करना, क्योंकि जब भी कोई चीज कहीं से कुरीति पैदा होती है तो उसका बेसिक कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक कारण आप नहीं ढूंढोगे, ये चीज नहीं पकड़ी जाएगी और ये बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। लोगों की इस तरीके के मतलब क्या रखा जाए सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारा, ये तो सब पता है कौन कहां क्या के पास होती है, पता है। लेकिन हर कोई किसी हर सबका अपना एक परिवार होता है, उस वजह से वो डायरेक्ट पंगा उनसे नहीं लेते। ये सबको पता है। कुछ पुलिस वाले उन लोगों के साथ खुद बैठ के मतलब चिट्टा जैसी चीजें नहीं यूज करते, तो दूसरे भांग जैसी चीजें यूज करते हैं, ये सब पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे तो एक लाइबिलिटी है जो पुलिस वालों की, वो एक जगह पर रखी जानी चाहिए जिसमें वो शुद्ध रूप से मतलब लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझे और इस तरीके के एलिमेंट को पूरे फुर जो भी विरोध है वो किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा आज की डेट में, और ये इसके अधिकारी हैं कि इस चीज को जी निर्धारित बिल्कुल, कर सकते हैं जी कि लोगों बिल्कुल, को जी बिल्कुल, 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 बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा फेलियर और जो है ये हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के अंडर आता है, उसका रहा है। क्योंकि ये बहुत समय पहले से ड्रग इंडस्ट्री में मॉर्फिन और डाइथाइल मॉर्फिन, जिसको हम चिट्टा आज बोल रहे हैं, ये मॉर्फिन का ही एक नेक्स्ट जनरेशन है। और मॉर्फिन हमारे कई सालों से प्रयोग होती आ रही है एज ए स्टिमुलेटर, पेन स्टिमुलेटर इसको यूज किया जाता है, ऑपरेशंस में यूज किया जाता है, इंजेक्शन जाते हैं, कई चीजें इसकी आती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो पेंटाजोसिन लैक्टेट, आप लोग कई फोर्टबिन इंजेक्शन कई सालों से यूज हो रहे हैं, बट हुआ क्या कि कुछ समय से वो बिल्कुल ओपन बिकना शुरू हो गए। सरकार का ध्यान इधर जी नहीं गया और ये बहुत बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा इस वक्त हो गया है। ये सारे डेरिवेटिव जो है मैक्सिमम जो है वो ओपियम के हैं, कुछ एक जो है वो इसके हेम्प के डेरिवेटिव में, जिसको आप कैनाबिस बोलते हैं या भांग बोलते हैं, और कुछ एक डेरिवेटिव जो है वो धतूरा मेटल के हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है इस वक्त जो है पूरी गिरफ्त में हमारे जो युवाओं को ले चुकी है। इसके ऊपर हमें एक समन्वय बना के, सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करके, हम जैसे प्रबुद्ध लोगों को आगे आ करके, और इसमें एक जगह जगह हमारे जितने भी यूथ हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस वक्त वो जी पूरे अपने एक नोटिस जारी करे, जहां पे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो स्कूलों में जाए और बच्चों को एजुकेट करे कि ये चीज क्या है, इसके बेसिक जी कारण क्या है, और क्या इसके जो इसका निवारण क्या है, और इसके जो है वो साइड इफेक्ट्स क्या है बॉडी के ऊपर, और ये कैसे युवाओं को बर्बाद करती है। ये चीजें
क्योंकि सरकार हम लोगों से है, हम ही सरकार में बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों को इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। इस वक्त बहुत बड़ी हालत खराब हो चुकी है और हम लोगों के जो है वो इस वक्त जो है बहुत एक चिंता का विषय हम लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि क्या होगा हमारे प्रदेश का। मैं अपने एरिया की बात बताता हूँ। हमारे बल एरिया में भी पिछले कुछ दिनों पहले 2-3-4 लड़के लड़कियां कॉलेज के स्कूल के बच्चे पकड़े गए, और मुझे हैरानी हुई कि ये चीज यहां तक पहुंच चुकी है। तो बाकी जो चीजें सामने नहीं आ रही हैं, बहुत बुरी हालत है। सुंदरनगर की मैं बात करूं, मैं सुंदरनगर से हूँ, तो वहां पे भी लोग बच्चे जो है शाम के समय झुंडों में बैठे होते हैं झील के किनारे। और सबसे बड़ा फेलियर जो है वो पुलिस का मानता हूँ। अगर पुलिस जनता में होता, इस तरह के एलिमेंट्स के प्रति जनता में उनका डर होता, तो ये चीजें ऐसे ओपनली नहीं होती, ऐसे झुंड बना के वो बच्चे नहीं बैठते या इस तरीके से वो चीजें नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मैं मानता हूँ, जो हमारे पास जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस चीज को नहीं टेक ओवर कर रहा है अच्छे से, या नहीं वो इस तरफ ज्यादा गंभीरता से सोच रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, हाँ, हमारे खुद के बच्चों के ऊपर ये चीज आने वाली है। एक सबसे बड़ी बात टेकचंद जी, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ और जो मैंने मॉनिटर की है वो पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसको स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो है वो ड्रग कंट्रोलर्स एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम है, वो बिल्कुल भी अपने काम को नहीं निभा रहे हैं। जी इस वक्त की जो पोजीशन बनी हुई है और जो मुझे फीडबैक मिली है मार्केट से, ठीक है, बद्दी क्षेत्र में मैं जी मैक्सिमम जाता रहता हूँ, बहुत ज्यादा लोग मेरे जानने वाले ही भी हैं, और यहाँ की जो हालत मुझे जो मिल रही है, एक तो स्पर्शिस जिसको बोलते हैं नकली दवाइयों का, कई बार यहाँ पे बात उठ चुकी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आज तक उन चीजों को क्यों नहीं ढंग से कंट्रोल किया गया। क्या वो नकली जो दवाइयां यहाँ बन के क्या हमारे देश में नहीं बिकती हैं? कहाँ जाती हैं वो दवाइयां और क्यों बनाई जा रही हैं? वो ड्रग इंस्पेक्टर जो यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है? ये चीजें बहुत बड़ी हैं, आज खुल के हमें देखिए, सामने आना पड़ेगा। आज हम मैं मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मैं कई दिनों से इस चीज को टेकचंद जी सोच रहा था कि लोगों के साथ बैठ करके मैं खुद सोच रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त के पूरे प्रदेश में, मैं पिछले, आपको पता होगा कि मैं कुछ दिन बीमार रहा बीच में, अदरवाइज मैंने वो शुरू कर भी देना था। हालांकि मैंने डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी से अभी कुछ दिन पहले बात की थी, मैं क्या मैंने करीब करीब 50 से 75 हजार के बीच में पौधे तैयार किए हैं, हो सकता है लाख ही हो, मैंने गिने तो है नहीं। कॉफी के तो उनका बंटन शुरू करना है, चले देखते हैं, मैं शायद 1-2 दिनों में उसको शुरू ही कर दूंगा। और हम चाहते हैं कि लोगों को, हमारे युवाओं का मुख्य कारण क्या रहा है इसके पीछे? इसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुख्य कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत जो है वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। जो निचला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का है, जो 65% टोटल बनता है हमारे हिमाचल प्रदेश का, वो पूरी तरह से कृषि क्षेत्र में बर्बाद हो गया। उसके लिए कोई उत्थान की नीति अभी तक नहीं बन पाई है। हम जो है आम सीटू और आम और ये अपने नींबू के पौधे बांट देते हैं ला करके, जो निचले क्षेत्र में इस वक्त जो भरी पड़ी होती है मंडियां, तब हमारे आम पकते हैं और उनमें कीड़े पड़ते हैं, नींबू होते हैं हमारे पास, हमारे को कोई दाम नहीं देता। क्यों ना हम इसके लिए एक इनोवेटिव एक सिस्टम शुरू करें कि निचले क्षेत्र में जितना भी ऊपरी और मध्य अपना निचला क्षेत्र हिमाचल का पड़ता है, इसके लिए बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से इसके लिए काम करें और इसके लिए वो फसलें लेके आए जो पूरे वर्ल्ड में जिसकी डिमांड हो। क्या हमारा हिमाचल प्रदेश, मैंने एक दिन भी पहले लिखा था, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरे वर्ल्ड की चारों ऋतुओं जो है ना हर समय जो है अवेलेबल रहती है। ये आपने भी नोट किया होगा। और क्यों ना इसमें सही हम है। एक ऐसा तरीका अपनाएं कि अपर के लिए हमारे पास सब कुछ है, सेब है, उसके बाद हम मैं अभी अभी कुछ दिन समय पहले हींग के कल्टीवेशन के लिए किया, चलिए सरकार ने भी मुझे थोड़ा बहुत सहयोग किया, परंतु जो सहयोग मैं वांछित रखता था, जो मन में मेरे में था कि सरकार इस तरीके से आएगी, यूनिवर्सिटीज मेरे सामने आएंगी खड़ी, तो वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। बहुत शर्म की बात है, मुझे बहुत दुख से आज कहना पड़ रहा है कि नहीं मिला वो चीज। हींग जो है 8,800 करोड़ रुपीज का प्रोडक्ट है, 8,800 करोड़ रुपए का हम हर साल इम्पोर्ट करते हैं। क्या हम उस इम्पोर्ट को नहीं रोक सकते जब हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन सेम है?
उसके बाद हम मैंने कई चीजों के ऊपर काम किया है, आप शायद मेरे घर अभी तक विजिट नहीं किए हैं। मैंने एवोकाडो के ऊपर काम किया है, मध्य हिमाचल, हमारा जो निचला क्षेत्र है हिमाचल का, इसमें एवोकाडो अच्छे ढंग से हो सकता है, परंतु मैं बात कर सकता हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं एवोकाडो के प्लांट्स भी लेके आऊं और हिमाचल के किसानों को बांट सकूं। 1134 करोड़ रुपए का हमारे लिए बजट आया, ठीक है, उस बजट की हालत आज आप देख रहे हैं। पिछली सरकार ने क्या किया मुझे समझ नहीं आया आज तक, कि वो बजट जो है उसका 600 कुछ करोड़ रुपए तो वो एक तरह से खत्म ही हो चुका है। 2 सालों से जो धरातल पे क्या हुआ वो मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं हो पाया ये भी हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग इतने मतलब सोए हुए हैं कि वो अपने अधिकार को भी पूछ नहीं सकते हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने और सही कह रहे हैं आप। माननीय राज्यपाल जी ने इस मुद्दे को उठाया था जब पिछली कांग्रेस सरकार ने इसको ठेके पे इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी न्यूजीलैंड की कंपनी को देना शुरू कर दिया था। मैंने उस वक्त कहा था कि क्या हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं है, क्या हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं है, क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो इसमें रिसर्च कर सके, इसमें इनोवेट कर सके, इसमें नया कुछ कर सके। मैं आपसे एक बात दावे एक के चीज साथ मैं कह बोलना सकता चाहूंगा हूं बीच कि में, सिंपली, हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं चीज जो मैं अपने लेवल पे चीज जानता हूं, जो भी इस विभाग में, जो कृषि विभाग है हमारा, जो भी अधिकारी हैं, कोई सुन भी रहा होगा, सुन ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनकी सैलरियां हर महीने की 2 तारीख को इनके अकाउंट में आ जाती है, इनके बच्चे उस पैसे से बिल्कुल सेटल हैं, वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जिसको ये अपनी एक इंटरेक्शन देके एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रिसर्च के माध्यम से दे सकते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ना इनके ऊपर है, ना इनके ऊपर कोई इनको बोल रहा है, ना इनके ऊपर कोई टारगेट दिया जा रहा है, या इस तरीके से सबसे बड़ा जो अभी जो फेलियर देखा जा रहा है सरकार का भी, वो ये है कि इनके ऊपर चेक ही नहीं है, इनको डायरेक्शन ही नहीं उस तरीके से, ये किस तरीके से अपनी अपनी उन फाइलों में भर देते हैं कि ये चीजें हो रही है वो, पर ग्राउंड लेवल पे आपने भी देखा हो रहा क्या हो रहा है, कुछ भी भैया नहीं है। भैया, ये एक प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हिमाचल हॉर्टिकल्चर जी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पिछले वर्ष जी शायद आपने आपसे भी मेरी बात हुई थी, करीब करीब 15,000 के करीब इन्होंने चैंडलर के प्लांट्स मंगवाए अखरोट के, जो एक भी प्लांट नहीं बांटा गया और बजौरा नर्सरी में टोटल के टोटल खत्म हो गए। किसका पैसा था? अभी आपका ज्वलंत मुद्दा है नया, जनता का पैसा सेब के पौधे इटली से आए, सुनिए, सेब के पौधे इटली से आए। क्या मात्र इटली ही हमें ऐसी कंट्री रह गई है जो ट्रेडिंग कंट्री है, प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है? इटली, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं ले लेते, स्विट्जरलैंड से क्यों नहीं ले लेते, हॉलैंड से क्यों नहीं लेते, यूएस से क्यों नहीं लेते? क्योंकि वहां पे पहले सेटिंग हो रखी है सोचने का सब, विषय है। वहां पे सबसे पहले सेटिंग हो रखी है। मैं इटली विजिट किया हूं, मैंने देखा है, इटली ट्रेडिंग कंपनी कंट्री है, ट्रेड करते हैं, इधर उधर से माल उठाते हैं, हमें बचा खुचा माल जो जिसमें पिछले बार भी वायरस पड़ भरा हुआ माल हमें भेजा गया, इस बार डेड पौधे पौधे भेजे गए। जब किसी भी कंट्री के साथ साइन होता है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उन पौधे के बजाय उसको वापिस करें। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 साल से ऊपर स्टोक्स जी के हमें सेब के पौधे लाए हुए होंगे, आज तक हमें जी उन उन उन्हें इनोवेट नहीं कर पाए। हमारे पास 2 विश्वविद्यालय बैठे हैं, एक IHBT पालमपुर बैठा है, पिछले 20-25 साल से काम कर रहा है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। मुझे एक चीज बताई जाए कि इनका जी काम क्या है, रिसर्च क्या चीज होती है, और क्यों आज तक हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की टॉपोग्राफी के अकॉर्डिंगली, हिमाचल प्रदेश के वातावरण के अनुकूल पौधे क्यों नहीं सेब के तैयार किए गए? हमें क्या जरूरत पड़ रही है कि बाहर के पौधे हम लेके आए, बाहर की वराइटीज को हम यहाँ पे पैदा करें जो आके यहाँ फेल हो जाती है? इन इसी दिक्कत चीज को लेके यही मैं है आपको कुछ, इनका, जो जी थोड़ा सा आम जनता को जागरूक पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा।
भैया ये चीज जो है आप जो कर रहे हैं ये चीजें जवाब दें, इनको बनाना पड़ेगा, इसमें सरकार की भागीदारी ये होनी बिल्कुल चाहिए जो बिल्कुल कि नहीं होनी चाहिए। टेक चंद जी, मैंने 99 में जब मैं 99 में मैं कॉफी के बीज लेके आया था, जब मैं 99 में कॉफी के बीज लेके आया था, मैंने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अपने नौनी को लिखा था, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर मेरा मजाक उड़ाया था। कई वर्ष हो जी गए हिमाचल सरकार को कॉफी बोर्ड 10 हर साल 10 किलो बीज देते हैं, और मेरे आग्रह पे उन्होंने शुरू किया था, ये 5वां साल इस बार चला हुआ है। उस वक्त उस वहां पे हमारे रिसर्च डायरेक्टर जयराम जी थे, उन्होंने ये शुरू करवाया था। सेंटर में कांग्रेस सरकार थी भले उस वक्त, परंतु जो काम अच्छा हुआ है उसके लिए मैं दाद दूंगा। और वो जी 10 किलो बीज जो है उसको पैदा किया जाता है और 10 10 पौधे बांट दिए जाते हैं। आप एक चीज सोचिए, उससे जो क्या कमर्शियल होने प्लांट वाला, मेरे को है ये और समझ नहीं झाड़ी आया है है। जिसके, तभी तो हंसी की बात है कि उसको कम से कम आप एक गांव सिलेक्ट कर लीजिए, एक पंचायत सिलेक्ट कीजिए, उसमें जो है वो कुछ एक थोड़े थोड़े पौधे बांटिए हर साल। और इसके लिए हमारी जी हिमाचल सरकार को, प्रदेश सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसके साथ एवोकैडो है, सिनामन है, अपना जो हम जिसकी बात कॉफी है, कॉफी के साथ हम कई चीजों, मैं पिस्टैचियो के बीज लेके आया हूँ। मैं कई बार आग्रह कर चुका हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश से, माननीय अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीकांत बाल्दी जी ने मेरे से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जी को भी मिलवाया उस वक्त जयराम जी के बोलने पे। तो उसके बाद डायरेक्टर साहब का मेरे को जी दोबारा हटके फोन नहीं आया, क्योंकि उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं यहां से गाड़ी उठाऊं, अपने जेब से तेल डालूं और फिर घूमता रहूं, उसके बाद उनके चक्कर लगाता रहूं, उनके दफ्तर के बाहर बैठा रहूं, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। जो आदमी अपने मन से ये चीज कर रहा है उसे कितना दुख होता होगा कि यार मैं ये चीजें कर रहा हूं लेकिन मुझे किसी तरीके से कोई भी मदद, किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और हैरानी की बात है कि ये हमारी जो अभी नव निर्वाचित सरकार है, उम्मीदें बहुत है लोगों को, अच्छा काम कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र से हम युवाओं को रोजगार दिला सकते हैं वो सोच सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आप सोच रहे हैं। इनके अधिकारी या इनके जो बड़े बड़े जो अधिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं इनको ये चीज सोचनी देखो, चाहिए, ये सोच नहीं रहे। ठीक है मैं इनोवेशन कर सकता हूँ। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप कॉफी के पौधे नहीं बांट रहे हैं। अरे भाई, मैंने आपके लिए फिर भी पैदा कर दिए, आप 100 पौधे पैदा करके दिखाइए और बांटिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी, फिर पता लगेगा किसी को मैंने वही चीज कैसे है ना। तैयार किए हैं, कैसी मुशक्कतों के साथ मैंने तैयार किए हैं, कितना मैंने किराया भरा हुआ उस जमीन का, और कैसे मैंने गाड़ी में रख के अपने घर तक पहुंचाए हैं, वहां पे सस्टेन करने के लिए, उनको वहां का एनवायरमेंट देने के लिए हिमाचल का अभी तक मैंने रखे हुए हैं। शायद 2 3 दिनों में मैं उसको शुरू कर दूंगा। वो मैंने अपने घर के लिए नहीं पैदा किए, वो अपने प्रदेश के युवाओं के लिए मैंने तैयार किए। परंतु दुख इस बात का है और मैं कि साथ ही अपील करना चाहूंगा, हमारे मैं राजनेता लोगों क्या से कर रहे हैं। जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का जो भी इन्होंने अभियान शुरू किया हुआ है, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग में बता देता हूं। इन्होंने काफी लंबे समय से ये चीजें कर रहे हैं इस चीज के लिए। अभी इन्होंने हींग के डॉक्टर मार्कंडे जी के साथ ये लाहौल स्पीति वहां के जो वेदर कंडीशन है वो उसको देख के वहां इन्होंने कुछ रिसर्च करा हुआ, आने वाले समय में उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अपने लेवल पे ये जो है इन्होंने कॉफी के बहुत सारे वहां पे अपने घर में एक नर्सरी तैयार की है और आने वाले टाइम में ये लोगों को वितरित करेंगे, जिसको भी चाहिए होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा तो आके इनसे मिल सकते हैं और ये पौधे ले सकते हैं और एक प्रयोग के तौर पे इनका सहयोग कर सकते हैं और अपने अच्छे तरीके से ये चीज कर सकते हैं। मैं आपको रिसेंटली बात बताऊं, मैं कई वर्षों से लगा हूं इस काम में, ठीक है। अभी मैंने टर्की से, अभी जी रिसेंटली देखिए, मैं अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ है, अभी फ्रेश इसमें मैंने हींग का सीड मंगवाया, और ये कई लाख रुपए का हींग का बीज है। जी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार को दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी एक, अगर आप ऑन इंटरनेट भी देखेंगे तो इस वक्त इसका कम से कम 6 से 10 डॉलर के बीच में एक बीज की कॉस्ट है, परंतु फिर भी अवेलेबल नहीं ग्रेट है, ठीक है। उसके साथ ही मैंने पिस्टैचियो का बीज रखा हुआ है, पिस्टैचियो के प्लांट्स भी मैंने तैयार किए, बट मेरी ऐसी है हालत,
खुद की कि मैं भागम भाग में फंसा पड़ा रहता हूँ, ठीक है ना। तो पीछे से देखने वाले, मैं सरकार से समझ सकता हूँ बार बार आग्रह करता हूँ, डिपार्टमेंट से बार बार आग्रह करता हूँ कि भाई इन चीजों को लीजिए, कहीं जाके एक इनोवेशन सेंटर डेवलप कीजिए, जहां पे हमारे लोगों को, अगर नशे से ग्रिप से हमारे बच्चों को जो है बाहर लेके आना है, तो इनके लिए हमें रोजगार पैदा करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, कहीं रोजगार देना पड़ेगा उनको, डायवर्सन, ये इनके चीज लिए डायवर्सन लाना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, वो यहाँ से उठ के आते हैं, बद्दी में आ जाते हैं, यहाँ पे उनको 5-6-7, और सबसे बड़ी बात, मैं पिछले कई वर्षों से इस चीज के ऊपर बोल रहा हूँ बार बार सरकारों को, कि भैया जितनी भी इंडस्ट्री आप लेके आ रहे हो, उसमें सुनिश्चित कीजिए कि उसमें मिनिमम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार जो है 50% होना चाहिए। हमारे हिमाचल में ऐसा कोई जी भी टेक्निकल टेक्निकल वो नहीं है जो हमारे बच्चों ने नहीं किया हो, परंतु हमारे बच्चों को यहाँ पे प्रताड़ित किया जी जाता जी है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक नदौन शोषण का हो रहा बच्चा है, आया, शोषण रोता हुआ आया, और मेरे को कहता है कि मेरे को कंपनी वाले निकालने की धमकी दे रहे हैं। हमारे बच्चों को निकाला जाता है और बाहर वालों को यहाँ रोजगार दिया जाता है, और कंपनियों के लिए हम जो हैं, हमारी सरकारें जो हैं, वो उनके लिए जो है वो टैक्स बेनिफिट्स दे रही हैं, अदर बेनिफिट्स दे रही हैं। तो क्यों ना हम हर चीज को सुनिश्चित करें, क्यों ना हर चीज को वॉच आउट करें प्रॉपर ढंग से, और उसके ऊपर कार्य किया जाए। मैं मानता हूं कि इस वक्त हमारे पास बड़े ही यंग और बड़े डायनेमिक और बड़े सोच रखने वाले और बहुत जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, परंतु उन्हें भी किसी ना किसी को तो बात बताने पड़ेगी, वहां तक बात पहुंचाने पड़ेगी। मैं एक बात बताऊं, मैं एक सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात कि उनको उन्हें जो उनकी सही तरीके करें उनसे बाहरी कब करेंगे सोचना पड़ेगा, तो उनको सरलाई तरीके से अच्छे तरीके से उनको गाइड किया जाए तो बहुत सारी हो सकती है। जैसे नशे के प्रति डायरेक्ट वे में उनको कहीं ना कहीं से बात पहुंचाई, अब उन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर चंडीगढ़ में उनकी सोमवार को एक मीटिंग है, उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे, तो एक अच्छे स्टेप है। इस तरीके से जनता के सुझाव भी माने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं माने जाते, लेकिन जनता को जागना तो पड़ेगा, कम से कम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करिए। आप बद्दी नालागढ़ की बात देखिए करी, प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं वहां की देखिए टेकचंद जी, देखिए टेकचंद जी, वो एक बहुत अच्छी पहल है, मैं उस पहल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी जो है वो नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनी है जो नशे के खिलाफ काम करेगी, परंतु उसके साथ हमें ये जरूर जी। पता करना पड़ेगा कि नशा पैदा कहाँ से हो रहा है। जी जब तक हमें यही नहीं पता कि नशा आ कहाँ से रहा है, मैं बोलूंगा कि हिमाचल से आ रहा है, पंजाब वाले बोलेंगे कि नहीं जी ये तो जम्मू से आ रहा है, हरियाणा वाले बोलेंगे नहीं जी ये तो हमें दिल्ली से लग रहा है। हमें यही नहीं पता है कि नशे जी के लाने के तरीके क्या हैं लोगों के पास। और जी सबसे बड़ा जो मैंने फाइंड आउट किया है, मैंने इसके ऊपर बहुत काम करके ये देखा कि जितनी भी बल्क ड्रग्स जो है आती है इंडस्ट्री में, उसमें ये सारी चीजें खेप की खेप बढ़ के आ रही हैं, वहीं से इधर उधर वितरित हो रही हैं, निकल रही हैं। हो सकता है, ये चीज आप सही पॉइंट क्योंकि उठा रहे हैं कि हम सोच रहे क्यों, पंजाब से आ क्यों, रहा है, लेकिन ये इंटरनली यहीं से चीजें कुछ बन रही हैं। क्योंकि मॉर्फिन डाइमॉर्फिन, ठीक है, जी ये दोनों जो हैं वो मेडिसिन में यूज होते हैं, जिसको आप चिट्टा बोल रहे हैं आज की डेट में। वो बात वही आ गई कि जी MSG था, मोनोसोडियम ग्लूटामाइड था, तो सबकी तो नेस्ले बंद हो गई, परंतु जब आज की डेट में ये बिक रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, अजीनोमोटो, तो वो जी सभी जगह पड़ रहा है, बिके जा रहा है। गलत चीज है, वो भी एक बहुत अजीनोमोटो खराब चीज और है अजीनोमोटो, जो एमएसजी, चाइनीज सुनिए, अजीनोमोटो और MSG एक ही चीज है, नाम बदल दिए गए, जी उसको चाइनीज नाम से बेचना शुरू हो गया। MSG वही है। आज एक दिन मैं गया था, अपने घर पे गया था, वहां पे किसी उसको बोला, हमने कोई छोटा सा फंक्शन था तो उसमें हमने बोला उसको अपने रसोइयों को कि भाई ये चलना है, तो मेरे को लिख के देता है कि ये अजीनोमोटो भी लेके आओ, जिसके खिलाफ हम कई दिनों से बोले जा रहे हैं, कान यहां से बात पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, ठीक है ना। अगर मूर्ख हो, अब हम कितना एक बौंक ही है, लें,
या तो हमारी कोई सेवा ले ले, तब हम बता देंगे कि भाई ये चीज है। अब हम कितना, हम एक ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे बोल लेंगे, उस पर लिख देंगे, कितने लोग हमें फॉलो करते हैं। फॉलो तो उसे किया जाता है जिसको आपने कुर्सियां दे रखी हैं, हमें तो फॉलो नहीं करते कोई भी, परंतु तो हम वही समाज बात। के लिए फिर भी अपनी जेब से लगा हुआ हूँ। मैंने, मेरे घर में भी मेरे को गालियां पड़ती है, बच्चों से भी बुरा सुनना पड़ता है। मैंने कई लाख रुपए जो कुछ भी आज तक था मेरे पास सब खत्म कर दिया इसी काम में, परंतु फिर भी मैं हारने वाला नहीं, मैं एक पीछे नहीं सोच हटता हूँ, लेके आप मैं चले मरते दम तक हैं, इस काम को करूंगा। एक सोच लेके आप चल रहे हैं जिसका शायद आज तो इसका इतना नहीं होगा, पर आने वाले समय में जब लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी होगी, जो हमारे पास जो अपनी घरों में जमीनें हैं वही काम आने वाली है। मैं ये चीज मतलब एक लंबे टाइम से ये सोच रहा हूं कि नौकरियां नहीं मिलेंगी, कईयों ने बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, और उस लेवल पे नौकरियां नहीं है, रिजेक्शन है मार्केट में। घूम फिर के उनको उसी जगह पे जो आप चीजें आज कर रहे हैं उसी तरफ लौटना पड़ेगा इनको। जो भी इस तरीके के प्लांट नहीं, हैं, जो भी इस तरीके की फसलें हैं, एक जन जी, एक बात नोट रखना, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो कृषि है। कोई भी जी उद्योग जो है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है, कृषि कभी डाइवर्सिफाई नहीं जी होती। आपको रोटी खानी ही पड़ेगी, आपको फल फ्रूट खाना ही पड़ेगा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं तो इसलिए जी। इसलिए ये चीजें जो है ना, इन चीजों के ऊपर हमें जो है वो काम करना होगा। हम पहले भी जो थे वो कृषि को अपना एक सबसे बड़ा व्यवसाय मानते थे, आज हम वहां से डाइवर्सिफाई हुए, हमारे बच्चे बाहर गए और उन्होंने वो चिट्टा लेना शुरू कर दिया। तो चिट्टे से बचाना है तो कृषि को जो है वो आगे लाना है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। और उसके जी साथ हम लोगों को, मैं तो सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जितने भी लोग लगे हुए हैं देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि भाई साहब और बहनों, एक चीज जरूर नोट करो कि जितने भी आपके संपर्क में बच्चे आ रहे हैं उनको जरूर समझाइए कि ये क्या चीज है। और दूसरी चीज, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि चिट्टा, या जिसको इसके कई नामों से पुकारा जाता है, ये मॉर्फिन का एक डेरिवेटिव है जो अफीम से निकाली जाती है। पहले मॉर्फिन आती थी, अब डाइमॉर्फिन आ रही है, जी ठीक है? तो ये एक डेरिवेटिव है और ये ओपियम का है। ओपियम के साथ हमारे जो धतूरा होता है उससे भी कई ऐसे केमिकल्स निकलती हैं जो नशे के काम आती हैं। और उसके साथ जो हमारी भांग है जिसको हेम्प बोलते हैं या कैनबिस बोलते हैं, कैनबिस बोलते हैं, उससे भी ये चीजें जी निकलती हैं। परंतु कभी क्या सरकार ने, मैंने पीछे भी लिखा था कि भांग को उखाड़ना, बर्बाद करना, ये करना वो करना तो कर रही है, कि कभी उससे सोचा? अब मैं बड़ा टेक्निकल नहीं हो पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ अब मैं केमिस्ट्री या पॉलीमर केमिस्ट्री की बातें शुरू करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु मैं कहूंगा उसमें एक ऐसे 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 उसमें कंपोजिट्स हैं जिनसे हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं, और जी हमारे पास उसके भंडार हैं। इवन दो आप देख रहे होंगे, मैंने अभी एक जैकेट डाली हुई है, ये हेम्प फाइबर से बनी है, भांग के फाइबर से बनी है, जी ठीक है? तो जी ऐसे उद्योग हम लगा सकते हैं जिससे हमारे युवाओं को भी होगा, किसानों को भी होगा, एंड अदर जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी होगा, और सरकार को भी उससे फायदा होगा। परंतु इसके लिए सोचना पड़ेगा, जी एक लंबी सोच रखनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अब बहुत हो गया, हाँ जल्दी ही मैं सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी 2-3 दिनों में शायद मैं कॉफी का आवंटन शुरू कर दूं, तो आप लोग जो हैं वो, क्योंकि मेरे पास भैया साधन नहीं है पहुंचाने के कि मैं कहीं जगह जगह पहुंचा पाऊं, क्योंकि जितना मैं कर सका हूं मैंने किया है, और जितने मेरे से हो सके हैं मैंने आप लोगों के लिए वो कर चुका हूं। और अब उन लोगों, आप सभी से ही आग्रह रहेगा कि उन चीजों को जो मैं आपके पास दूंगा या आपको सौंपूंगा उनको बड़े ध्यान से लगाइए, ताकि अगले 3 वर्षों में आप उनमें से बीज पैदा करके अन्य लोगों को बांटेंगे। तो इसी के साथ टेकचंद जी, हम जी विदा लेते हैं। जय हिमाचल, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े आज मेरे साथ, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।